दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि YouTube चैनल के लिए इंट्रो और आउट्रो कैसे बनाएं। तो इंट्रो बनाने के लिए यहाँ पर मैं जो है पॉपुलर वेबसाइट को यूज करने वाला हूँ। अगर आप उस वेबसाइट के बारे में पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो आज जान जाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में दिए गए घंटी के निशान को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ और देख लेते हैं कि वो कौन सी वेबसाइट है जहाँ से हम YouTube चैनल के लिए इंट्रो और आउट्रो दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ और जो है सिंपली यहाँ से मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ कैनवा और सिंपली इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद आपके सामने जो है फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी कैनवा की, इसे आपने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका जो है कैनवा टोटली ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर साइन अप कर देना है, बिल्कुल फ्री में साइन अप है। उसके बाद लॉगिन करके आपने आ जाना है और अब क्या करना है कि आपने ऊपर टाइप करना है, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं जो है YouTube का इंट्रो बनाना चाहता हूँ तो वो मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर जो है आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे और हाई क्वालिटी के आपके सामने इंट्रो और आउट्रो दोनों ओपन हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे वीलॉगर के ट्रेंडिंग के आगे आ चुके हैं, यहाँ से आप जो है उसे बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मैं बात बताता चलूँ कि आपने जो है यहाँ पर आप डॉलर की साइन देख रहे हैं, ये जो है पेड है। अगर आप इस पर ये बनाते हैं तो आपको जो है यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको फ्री वाले देखने हैं क्योंकि हमें फ्री में बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इस पर फ्री लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये फ्री है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं फ्री में। तो दूसरा ये है, ये बिल्कुल फ्री है, तो मैं जो है इसे ही एडिट करने वाला हूँ और आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा कि आपने जो है किस तरह से इसे इंट्रो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे पास ओपन हो चुका है। अब जो है ये इस पर इसका नाम वगैरह हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो ऊपर जो है टीम को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, और जो है नी इसको मैं डिलीट करता हूँ, शॉर्ट को भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब जो है यहाँ से मैं टेक्स्ट को लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी आप टेक्स्ट ले सकते हैं। यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो है कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे तभी भी जो है आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं क्लिक करके और मैं जो है हेडिंग पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली टाइप कर लेता हूँ, मेरा नाम ही टाइप कर लेता हूँ नरेश। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना नाम नरेश टाइप कर दिया। ओके, उसके बाद जो है दूसरा मैं यहाँ पर टेक्स्ट लूँगा तो इसमें मैं टाइप कर लेता हूँ कुमार। ओके, यहाँ पर जो है अब मेरा नाम हो गया नरेश कुमार, तो ये आ गया। और इसको जो है यहाँ पर मैं एडजस्ट करने के बाद जो है इसका केस में अपर केस कर दूँगा, तो वो करने के लिए आपने थ्री डॉट्स में आना है और इसका यहाँ से मैं केस चेंज कर लूँगा। तो ये देखिए कैपिटल में हो गया सारा का सारा, इसको भी मैं कैपिटल में कर देता हूँ, तो ये अब हो गया। ये मैंने जो दो टैक्स लेने का मकसद यही था मेरा कि इसमें जो है कलर हम अलग अलग फिल करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ से ये कर लिया। अब जो है मैं इसका यहाँ से इसकी दोनों की सेम कर लेता हूँ, इसकी 100 कर लेता हूँ और इसकी भी जो है मैं यहाँ से 100 के ये टाइप किया, एंटर किया। अब जो है इसकी दोनों की साइज़ भी सेम हो चुकी है और इसे मैं थोड़ा लेके आगे गया यहाँ तक। तो मैंने तो अपना नाम लिखा, आप अपना चैनल का नाम हो जिस टॉपिक पर हो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया। अब जो है मैं इसका कलर यहाँ से ब्लैक ही रहने देना हूँ और कुमार का कलर यहाँ पर मैं जो है थीम के हिसाब से यहाँ पर ब्लू ही रखना चाहता हूँ। ओके, ये ही रख दिया। तो अब ये हो गया। अब जो है क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको आप एनिमेटेड भी कर सकते हैं, ऊपर आपको बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है बहुत ही फ्री में और प्रीमियम आपके सामने इफेक्ट ओपन हो जाएंगे एनिमेटेड। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो मैं जो है अभी यही यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो दूसरे को भी मैं कर लेता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर चले इसे भी ये दे देते हैं, सेम वाले दे देते हैं इसे। चलिए ये जो है हमारा रेडी हो चुका है और अब जो है इसे मैं प्ले करके, ऊपर आपको प्ले का बटन दिख रहा है, आप यहाँ से प्ले भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो प्ले करने वाला हूँ, तो प्ले करने से पहले यहाँ से नीचे जो है मैं इसकी और स्लाइड देख लेता हूँ कि कौन कौन सी स्लाइड्स इसमें ऐड है। तो यहाँ पर एक वीडियो ऐड हुई हुई है, यहाँ से इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं वीडियो यहाँ पर लगाना, जिस टॉपिक का आपका चैनल हो उस टॉपिक पर अगर आप इंट्रो और आउट्रो बनाना चाहते हैं तो आप जो है फ्री वाली वीडियोज़ डाउनलोड करके इसके बीच में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ऐड करना। ओके, और तो आपने वीडियो जो है फ्री कॉपीराइट वाली लेनी है ताकि आपको कोई मसला ना हो। ओके,
तो ये सारा कुछ आपने यहाँ से कर लेना है। अब जो है इसका इंट्रो बना दिया और ये से मैं जो है आउट्रो बना देता हूँ। तो अब जो है मैं इसमें टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट भी हम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिया और मैं इससे ही रैंडमली कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे और वॉचिंग। ओके, तो इसे मैं जो है थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। यहाँ पर सही है। ओके, यहाँ पर मैं फिर से टाइप करता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, ये मैंने टाइप किया। आप जो ऐसे मैं अपर केस करता हूँ और इसे मैं थोड़ा छोटा करके और थोड़ा बड़ा, और आपने इसे जो है जहाँ रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है। मैं तो यहाँ से इसे ऊपर रखना चाहता हूँ यहाँ पर। और जो इसमें आपकी स्पेसिंग जो है, लाइन की स्पेसिंग अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वहाँ से यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए ये इसकी जो है कम हो रही है। ओके, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर मैं दूसरा टेक्स्ट यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो ये मैंने लिया और इसे मैं जो पकड़ कर नीचे लेके आया, और अब जो है हम यहाँ पर टेक्स्ट अपना यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। तो ये मैंने जो है यहाँ पर टाइप कर दिया है। मैं जस्ट यहाँ पर आपको जो है समझाने के लिए ये सारा कुछ यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपने भी टाइप करके और ऐसे करके आपने एनिमेशन वगैरह भी इसमें यूज़ करने हैं। इसको भी जो है मैंने अपर केस कर दिया। ओके, अब जो है इसमें हम एनिमेशन वगैरह यूज़ करेंगे। उससे पहले जो है इसका भी जो है मैं लाइन स्पेस यहाँ से थोड़ा कम कर देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पहले इसे मैं जो है ऊपर लेके गया और यहाँ तक, और अब जो है इसका लाइन स्पेस मैं कम करूँगा यहाँ से। चले थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, इतना रखते हैं। ओके जी, यहाँ तक तो हो गया हमारा काम मुकम्मल। और अब जो है यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ऊपर वाले का यहाँ पर मैं जो ब्लैक ही रहने देता हूँ, और नीचे डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब इसका जो है मैं थीम के हिसाब से ब्लू रहने देता हूँ। ओके, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर कर लिया। अब जो है यहाँ से मैं एनिमेटेड को यूज़ करने वाला हूँ। तो वो किस तरह से होगा वो भी मैंने आपको जो पहले ही मेथड बताया, तो वो सिंपल मेथड है। आपने जाए जो भी आपको अच्छा एनिमेटेड लगे वो आपने यहाँ से चूज कर लेना है। मैंने ये चलिए यहाँ से मैं देख लेता हूँ कोई भी अच्छा सा हो, तो ये मैंने ले लिया। ओके, अगर ओके ये सारा दे दिया। अब जो है मैं यहाँ से जो है प्ले करके इसको देखता हूँ कि ये किस तरह से नज़र आता है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप इसमें प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पर लोडिंग होगी कुछ देर। तो हमारे सामने देखिए ओपन हो चुका है इंट्रो और ये हमारा है आउट्रो। तो इस तरह से जो है आप अपनी वीडियोज़ या यूट्यूब चैनल के लिए किसी के भी लिए जो है आप इंट्रो अच्छे से अच्छे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे जो मैं क्लोज कर देता हूँ। अब जो है हम बात करते हैं, ये सारा कुछ हमने कर लिया। अब जो है हमें म्यूज़िक इसमें ऐड करना है, तो वो कहाँ से ऐड करें, और फ्री कॉपीराइट वाला म्यूज़िक हमने लेना है। तो यहाँ से मैं न्यू टैब में आया और यहाँ से मैं जो है यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही जो है YouTube ओपन होता है तो आपने जो है अपने अकाउंट से जाना है, या किसी और अकाउंट से आपने जाने के बाद जो है अपने YouTube स्टूडियो को जो है आपने ओपन कर देना है ये। ओके, तो YouTube स्टूडियो में आपने आने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने लेफ्ट साइड में आपने यहाँ पर आइडियो लाइब्रेरी को ओपन करना है। यहाँ पर आपने देखना है। ओके, आइडियो लाइब्रेरी को आपने जो है ओपन कर देना है। इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है आइडियो और म्यूज़िक रिंगटोन सारे कुछ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं फ्री में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे म्यूज़िक और आइडियोज़ मिल जाते हैं, जिसे आप अपनी वीडियोज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर जो है आपको यहाँ पर लाइसेंस भी दिया हुआ है यूट्यूब का, यानी आपको अपनी वीडियोज़ में इन म्यूज़िक को, इन साउंड को, इन रिंगटोन को आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये काम आना चाहिए कि आपने जो है सर्च अच्छे से करना है। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। अगर आपने जिस टॉपिक पर जो है वीडियो या कोई इंट्रो टॉपिक बनाया है तो उस टॉपिक से आपने रिलेटेड यहाँ पर सर्च कर देना है। तो यहाँ पर जो है मैं देसी सर्च करके देखता हूँ, क्योंकि इसमें म्यूज़िक जो है बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ही अच्छे आइडियो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको प्ले का बटन मिलता है और राइट साइड में आपको डाउनलोड का मिलता है। डाउनलोड करके आप जो है वे उसमें लगा सकते हैं, अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आइडियो पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं जाके उसे यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं कैनवा में आया और फिर से यहाँ पर आपने म्यूज़िक कैसे ऐड करना है इसमें, तो आपने अपलोड्स में जाना है लेफ्ट साइड में, और यहाँ से आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो। तो हमें आइडियो चाहिए, तो हमें आइडियो पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ऊपर जो है आपको अपलोड मीडिया पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपने डिवाइस में आ जाना है। तो आपको ये अपने कंप्यूटर में लेके जाएगा और यहाँ पर आपने डाउनलोड में आना है। और डाउनलोड में आने के बाद यहाँ पर मैंने जो है वो म्यूज़िक डाउनलोड किया था, तो इसे मैं जो है ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है देखिए हमारा म्यूज़िक जो है लेफ़्ट साइड में लोड हो रहा है। तो ये जैसे लोड होगा तो हमारी ये लग जाएगा, और जितना पार्ट रखना चाहें वो भी आप इसमें
यूज़ कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ओके, तो हमारा म्यूजिक जो है वो लग चुका है और ऊपर आप देख सकते हैं तो प्ले भी हो रहा है, लेकिन आप इसका वॉल्यूम नहीं सुनाई देगा क्योंकि मैंने म्यूट किया हुआ है। तो अब जो है मैं यहाँ से जो वीडियो हमने ली थी उसका जो है ड्यूरेशन यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ओके, तो ऊपर से मैं इसका जो ड्यूरेशन है 3 सेकंड के बजाय मैं यहाँ पर 4 सेकंड रख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जितनी ड्यूरेशन रखना चाहें उतनी आप रख के इंटर कर दें। ओके, दूसरे को भी जो मैं 4 ड्यूरेशन दे देता हूँ, तो दोनों के मैंने 4-4 दे दी। इसका मतलब हमारी जो वीडियो है वो 8 सेकंड की होगी, यानी 8 सेकंड की। अब जो है म्यूज़िक आपने जितना भी रखना है उस पार्ट पर आपने जाके क्लिक कर देना है, तो उतना वो ऑटोमेटिकली जो है वीडियो में यूज़ कर देगा। ओके, तो ऊपर इसे जो है हम प्ले करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखें ये प्ले हो गया है, इसके साथ म्यूज़िक भी आ रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैंने म्यूट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ से जो है ओके इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अब जो है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपने इस वीडियो को डाउनलोड किस तरह से करनी। डाउनलोड के लिए ऊपर आपको राइट साइड में टॉप में आपको एक डाउनलोड का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर MP4 सजेस्टेड बता रहा है कि MP4 में आप डाउनलोड करें। अगर आपको दूसरी कैटेगरी में करें तो यहाँ से आप कर सकते हैं, तो इस पर डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इसी और अगली वीडियो में।